हेलो दोस्तों दिस इज मनीस एंड यू आर वॉचिंग एलिट सर की क्लासेस दोस्तों आज हम एरिस्टोटल्स पॉइटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे पॉइटिक्स एरिस्टोटल का लिखा हुआ बहुत फेमस वर्क है दोस्तों और क्वेश्चन नंबर वन इज एरिस्टोटल्स पॉइटिक्स इज एसोसिएटेड विद द आर्ट ऑफ स्पीकिंग दी आर्ट ऑफ राइटिंग द आर्ट ऑफ पोइट्री और नन ऑफ दबव द करेक्ट आंसर इज द आर्ट ऑफ पोइट्री एरिस्टोटल अपनी दो बुक्स के लिए फेमस हैं दोस्तों नंबर वन पॉइटिक्स एंड नंबर टू रिटोरिक पोइटिक्स इज एसोसिएटेड विद द आर्ट ऑफ पोइट्री एंड रिटोरिक इज एसोसिएटेड विद द आर्ट ऑफ स्पीकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हुम द फॉलोइंग वॉज द ट्यूटर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ही थे दोस्तों जो कि एलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर महान के ट्यूटर या शिक्षक रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स इज अ ट्रेटाइज ऑफ अबाउट ब्लैंक पेजेज कंटेनिंग ब्लैंक चैप्टर्स फिल इन द ब्लैंक्स तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटिक्स जो एक ट्रिटाइज है उसमें कितने पेजेज और कितने चैप्टर्स हैं द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर हमें फिफ्टी पेजेस देखने को मिलते हैं और ट्वेंटी सिक्स स्मॉल चैप्टर्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हु हैज मेड द कमेंट हैड एरिस्टोटल सीन इंग्लिश ट्रेजेडी ही माइट हैेंज्ड हिज माइंड किसने कहा है कि अगर एरिस्टोटल ने इंग्लिश ट्रेजेडी देख ली होती तो शायद पॉलिटिक्स में लिखे हुए अपने नियमों को वो बदल ही देता दे ऑप्शन गिवन आ टी एस एलियट मैथ्यू रोनॉल्ड कोलरीज और जॉन राइटन द करेक्ट वन इज़ द लास्ट वन जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन पॉलिटिक्स में लिखे एरिस्टोटल के सारे लॉज और रूल्स को नहीं मानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि अगर एरिस्टोटल ने हमारी इंग्लिश ट्रेजिडी देखी होती तो शायद वो अपना माइंड चेंज कर देता और जॉन ड्राइडन का नाम हमें इसलिए भी ध्यान रखना है दोस्तों बिकॉज ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म के जनक जॉन ड्राइडन को ही कहा जाता है और जॉन ड्राइडन ही फर्स्ट पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड भी रहे थे और उन्हें पोस्ट सबसे पहले 1668 में दी गई थी हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड मिमेसिस मिमेस नॉलेज डिस्कवरी रेकग्नेशन इमिटेशन द लास्ट वन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स क्योंकि ऊपर आए हुए तीनों वर्ड्स ही नॉलेज डिस्कवरी और रिकग्निशन इनके लिए एरिस्टोटल ने जो वर्ड यूज किया है वो है एनेग्नोरिस सो द लास्ट वन इमिटेशन इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स चैप्टर सिक्स टू चैप्टर नाइनटीन ऑफ पॉइटिक्स आर रिलेटेड टू ऑप्शंस आ ट्रेजिडी कॉमेडी एपिक पोइट्री और सटायर द राइट आंसर इज ट्रेजिडी चैप्टर सिक्स से लेकर चैप्टर नाइनटीन तक एरिस्टोटल ने ट्रेजिडी की ही बात की है दोस्तों नेक्स्ट हु कॉल्ड पोइट्री ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी किसने कहा है जब वास्तविकता को दो बार रिमूव किया जाता है तब पोइट्री बनती है इट मीन्स पोइट्री का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है ये कहते हुए पोइट्री की बुराई किसने की थी ऑप्शन सा एरिस्टोटल प्लेटो हॉरिस और सिडनी प्लेटो इज द राइट आंसर फ्रेंड्स और पोइट्री का ये क्रिटिसिज्म उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में किया था और पोइट्स को मदर्स ऑफ लाए कहकर बुलाया था और एरिस्टोटल अपनी बुक पोइटिक्स में अपने टीचर प्लेटो की उस बात को काटता हुआ प्रतीत होता है जिसमें वो पोइट को लायर की संज्ञा देते हैं अगला प्रश्न है वट इज द फंक्शन ऑफ पोइट्री आंसर आफ्टर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अनुसार पोइट्री का क्या कार्य है टू टीच पढ़ाना इंस्ट्रक्ट निर्देश देना प्लीज आनंदित करना या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना द करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन टू प्लीज पोइट्री का उद्देश्य आनंदित करना होता है दोस्तों इट इज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल नेक्स्ट इज हु इज द राइटर ऑफ द बुक रिपब्लिक रिपब्लिक किताब का जिक्र अभी हमने किया ही था दोस्तों ये किताब प्लेटो द्वारा लिखी गई है और इस किताब के टेंथ चैप्टर में प्लेटो कारपेंटर के माध्यम से हमें बताता है कि कैसे पेंटिंग या फिर पोइट्री कॉपी की भी कॉपी होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेजिडी अराउजेज द इमोशंस ऑफ ऑप्शन गिवन आर एंगर एंड प्लेजर काम एंड हैप्पीनेस फियर एंड पिटी और मिक्स्ड फीलिंग्स द राइट वन इज फियर एंड पिटी ट्रेजिडी के माध्यम से हमारे फियर और पिटी के इमोशंस को जगाया जाता है लेकिन ट्रेजिडी के एंड तक इन इमोशंस को बैलेंस भी कर दिया जाता है उनका परगेशन या प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है जिसके लिए एरिस्टोटल ने नाम दिया है कथार्सिस का वट डज द टर्म कथार्सिस मीन द करेक्ट आंसर इज प्यूरिफिकेशन और परगेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण ट्रेजिडी के बीच में हमारे फियर और पिटी के इमोशंस को जो जगाया गया होता है उसे एंड में लाकर प्यूरिफाइड या बैलेंस कर दिया जाता है और उसे ही कथारसिस का नाम दिया जाता है चेंज ऑफ फॉर्च्यून के लिए एरिस्टोटल ने पेरिपिटे वर्ड का यूज किया है और इग्नोरेंस टू नॉलेज के लिए एनग्नोरिसिस का मिथोज उन्होंने प्लॉट को कह के बुलाया है दोस्तों लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिफाइंस ट्रेजडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सर्टन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज एम्बेलिस्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नेरेटिव थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशन ट्रेजिडी की ये वर्ल्ड फेमस डेफिनेशन किसने दी है ऑप्शन प्लेटो एलियट स्पेंसर स्पें करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल एरिस्टोटल इस डेफिनेशन में ट्रेजिडी को इमिटेशन ऑफ एन एक्शन कहकर बुलाते हैं वो कहते हैं कि ट्रेजिडी एक ऐसे कार्य की नकल है जो कि सीरियस कंप्लीट और सर्टेन मैग्नीट्यूड वाला होता है जो गंभीर पूर्ण और थोड़ा लंबा या थोड़ी मात्रा वाला तो होता ही है क्योंकि इसमें राइटर को एनेग्नोलिसिस भी दिखाना होता है और पेरिपिटाया पिटाया भी इन लैंग्वेज एम्बलिस्ड विथ ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट और ट्रेजिडी में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके अलग अलग भागों को अलग अलग प्रकार के आभूषणों या अलंकारों से सजाया गया होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नैरेटिव का अर्थ है कि इसमें कार्य करके दिखाए जाते हैं और फिर एंड में अरिस्टोटल ने बोला है थ्रू पिटी एंड फियर उस पिटी और फियर के इमोशंस के माध्यम से जिनका लास्ट में परगेशन कर दिया जाता है सो दिस इज वेरी फेमस डेफिनेशन गिवन बाय एरिस्टोटल वट डज द टर्म एनेग्नोरिस मीन एनेग्नोरिस का मतलब तो हम अब जान ही गए हैं दोस्तों दैट इज इग्नोरेंस टू नॉलेज जब हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं तो उसे एनेग्नोरिस कहते हैं एनेग्नोरिस के लिए और भी दो वर्ड हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कवरी और रेकग्निशन चेंज ऑफ फॉर्च्यून या चेंज ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड पेरीपिटाया मिथोज हमें पता ही लग गया था दैट इज प्लॉट प्यूरिफिकेशन और परगेशन का मतलब कथार्सिस होता है तो हमें सारे टर्म्स का मतलब याद रखना है दोस्तों नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर आर देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इन ट्रेजिडी ऑप्शंस आर सिक्स फोर थ्री टेन द राइट आंसर इज सिक्स एरिस्टोटल ट्रेजिडी की डेफिनेशन बताने के बाद उसमें आने वाले सिक्स एलिमेंट्स की बात करता है और वो सिक्स एलिमेंट्स हैं प्लॉट करेक्टर थॉट डिक्शन सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल वट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी डिक्शन प्लॉट करेक्टर और सॉन्ग द करेक्ट आंसर इज प्लॉट प्लॉट को एरिस्टोटल ट्रेजिडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता है दोस्तों इसीलिए वो प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजिडी यानी कि ट्रेजिडी की आत्मा कहकर बुलाता है द आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इज कॉल्ड द करेक्ट आंसर इज प्लॉट वट डज द वर्ड डिक्शन मीन डिक्शन मीन्स सलेक्शन ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर थ्री यूनिटीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दो यूनिटीज एरिस्टोटल ने तीन यूनिटीज की बात की है दोस्तों इनमें से कौन उन तीन यूनिटीज में से एक नहीं है यूनिटी ऑफ एक्शन यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ प्लेस इन तीनों की बात एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में की है और एरिस्टोटल ने जिस यूनिटी की बात नहीं की है वो है यूनिटी ऑफ पर्पज यूनिटी ऑफ एक्शन के माध्यम से एरिस्टोटल हमें यह बताता है किसी भी ट्रेजिडी का मेन एक्शन एक ही होना चाहिए और यूनिटी ऑफ टाइम में वो बताता है कि सारा का सारा नाटक वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए यूनिटी ऑफ प्लेस के माध्यम से एरिस्टोटल बोलते हैं कि सारा नाटक एक ही स्थान पर घटित हो जाना चाहिए और यूनिटी ऑफ पर्पज की तो एरिस्टोटल बात ही नहीं करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वन इज द टर्म डिनोमेंट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेजिडी द मिडिल ऑफ ट्रेजिडी द एंड ऑफ ट्रेजिडी और द ओपनिंग ऑफ कॉमेडी द करेक्ट आंसर इज द एंड ऑफ ट्रेजिडी डिनोमिन फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अननोटिंग नोटिंग का मतलब होता है गांठ को खोल देना तो डिनोमिन का मतलब हो गया कंक्लूजन विच कम्स आफ्टर द क्लाइमैक्स नेक्स्ट इज पेरीपटाया एंड एनेग्नोरिस आर फाउंड इन द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्स प्लॉट एरिस्टोटल दो तरीके के प्लॉट्स की बात करता है दोस्तों सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट सिंपल प्लॉट वो होता है जिसमें ना तो पेरीपिटाया होता है ना ही एनेग्नोरिस होता है इसीलिए ये प्लॉट हमें सरप्राइज भी नहीं करता है दोस्तों और ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट से थोड़ा कम ही इंटरेस्टिंग होता है और कॉम्प्लेक्स प्लॉट ही है जिसमें कि हमें पेरीपिटाया विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्च्यून देखने को मिलता है और एनेग्नोरिस यानी कि डिस्कवरी देखने को मिलती है दोस्तों

or discovery is peripatia anagnosis mythos or none of the above the correct answer is anagnosis next question peripatia and anagnosis please because they have the elements of fear pity surprise or none of the above the correct answer is surprise the last question of the day is Tragic flaw in a tragic hero is called Hamatea, Peripatia, Anagnorisis, or none of the above. The correct answer is Hamatea. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.